प्राइवेसी की जो कमी होती है उसके कारण महिलाओं को बहुत समस्याएं आती हैं। उस दिन रोड मैप की बैठक में भी हमने कहा था कि हमारे पर्सनल नॉलेज में है कि जो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये हमारी महिलाओं में बहुत बहुत ही रैम्पेंट है। फिर फंगल डिजीजेस, ये भी हमारी महिलाओं में बहुत रैम्पेंट है। तो इसका कारण सीधा है, लेकिन अल्टीमेट जो हम लोगों का चैलेंज है कि इसके बारे में पहले जो भ्रांतियाँ उसको दूर करें, महिलाओं को सशक्त बनाएं, अवेयर बनाएं। जैसे अभिजोत ने कहा कि अब आपका जो अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप क्या ले रहे हैं, नहीं तो एनीमिया भी उतना ही प्रिवेलेंट। तो हमारे जो सोशल साइकी है, सोशल सिस्टम है, उसमें चेंजेस लाना है कि उनके डाइट से लेके उनके पर्सनल हाइजीन से लेके उनके पर्सनल स्पेस से लेके उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को, सारे चीज़ों को इंटीग्रेट करना है। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग लीडर हैं, आप लोगों ने इस विषय को हम लोगों से ज़्यादा समझा है, जाना है, और आप लोग रूबरू हैं उन महिलाओं से जो हमारे सामने आकर के बात नहीं करेंगे, जो आपसे खुल के बात करती हैं, जो अपनी समस्याएं बताती हैं। हम लोग ये कोशिश करेंगे, हमारे सभी जो शिक्षिकाएँ हैं यूनिसेफ के सहयोग से और महिला बाल विकास निगम के सहयोग से, जैसा इन्होंने बताया कि NFHS के सर्वे के अनुसार भी अभी हम राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने स्कूल में पढ़ रहे बच्चियों को इस बारे में अवगत कराएं और वहां तक उस लक्ष्य तक पहुंच सकें। महावारी के बारे में समाज की सोच को भी बदलना इस कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य है, ताकि जो महिलाएं जो झेलती हैं या महिलाओं के साथ जो बीतती है, उसको जो दूसरा वर्ग है, जो बाकी की आधी आबादी है पुरुष लोग, वो भी उसको समझें और उसके प्रति संवेदनशीलता दर्शाएं। ये एक बहुत अहम हिस्सा है महावारी स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम का, और इसमें आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि समाज आज भी हमारा पुरुष प्रधान है, जिसमें पुरुष के माध्यम से ही महिलाओं का दायरा सीमित कर दिया जाता है। कुछ भ्रांतियों को हम लोग अपने से भी देते हैं, जैसे छुआछूत मान लेते हैं, ये है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो इन सब से आगे बढ़ने का अब समय आ गया है। शिक्षा वो दिया है या वो रोशनी है जिसने इन सब भ्रांतियों को काफ़ी हद तक काटा है, और आप सबके सहयोग से आप लोग अपने अपने विद्यालयों में लड़कियों को ये शिक्षा दे रही हैं कि कैसे इस पूरे महावारी का प्रबंधन स्वच्छ तरीके से करना है और कैसे आगे बढ़ना है। आई एम वेरी हैप्पी टू नोट दैट बिहार गवर्नमेंट मेक्स ट्रांसफर ऑफ अबाउट 300 रुपीज अ ईयर टू गर्ल्स इन स्कूल फॉर बाइंग सैनिटरी पैड्स अंडर इट्स फ्लैगशिप MKUI। आई अर्ज द गवर्नमेंट टू ऑल्सो लॉन्च स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन टू लेट girls and family know so that money is going to be used for intended purposes.